शार्क्स, क्या आपने इसे स्पोर्ट्स सीजन में बैटिंग करने के लिए कोई प्लान रेडी किया है? भाई क्या कर रहा है तू, ये सब ना दोगलापन है। ठीक है, तुम में से यहाँ किसी को फाइनेंस की नॉलेज तो है नहीं, और मैं ना धंधा करता हूँ तो मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। सर, इसी प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया है, प्रेजेंटिंग टू यू स्काई एक्सचेंज। अब लॉगिन और साइन अप का कोई झंझट नहीं, प्लस आपके फाइनेंसेस और डिपॉजिट को और इजी करने के लिए हमने सीधा इंटीग्रेशन व्हाट्सएप से किया है। बहुत इजीली यूपीआई से पेमेंट करिए और 3 सिंपल स्टेप में बेटिंग करिए। बस वेबसाइट से व्हाट्सएप पे मैसेज करो और उसी पे आराम से यूपीआई से पेमेंट करो और बेटिंग करो। सर, ये दोगलापन नहीं है, ये सॉल्यूशन है। अच्छा भाई सुन, भाई और किसी की मत सुन। अरे इनको इनको सुनने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि मैं ही हूं, मैं तेरे साथ हूं। और इतना अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट देख के ना, मैं अब भी स्काई एक्सचेंज डाउनलोड कर रहा हूं और अभी के अभी बैटिंग कर रहा हूं मैं। हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीवी बीमार है अंदर। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या लग रहा है? ये देख, मौत लिखी इस पे, मौत, और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। Thank you.
चलिए सर, दुकान बंद होने का घर जाइए, जल्दी घर भाग जाओ बेटा, तूफान आने को है, तुम्हें भी उड़ा ले जाएगा। चलो। नमस्कार, अब समाचार विस्तार से। मौसम विभाग द्वारा दी गई ताजा जानकारी के अनुसार हिंद महासागर में उत्पन्न हुआ चक्रवात अरब सागर होते हुए तेजी से वेस्टर्न घाट्स की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने सभी तटीय इलाकों में चेतावनी जारी कर दी है। विभाग के विशेषज्ञों का मानना है कि इस चक्रवात की सही वजह और प्रक्रिया को असामान्य होने के कारण अभी जान पाना मुश्किल है। कब गए? पूछ कर तो निकला था आपको, अब यही तो बैठी थी। हजार बार बोला है कि जब मैं काम कर रही होती हूँ तो मत पूछा करो, हर सवाल का जवाब हाँ ही मिलेगा। बाहर देखा है तुमने, रेडियो पे वार्निंग भी आ गई है। आ गया ना जिंदा वापस। क्या कर रहे हो? हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई, बस मम्मा के डिजाइन बाकी है ना? पता है, अब तंग मत करो, जाओ प्लेट लगाओ और फिर साथ में खाना खाएंगे, ठीक है? ओके। मम्मा, पापा का कॉल आया था क्या? नहीं आने, रोज रोज मत पूछा करो, अब ऐसा ही है, ठीक है? पापा नहीं आएंगे अभी, और हजार बार ही बोला कि टोपी नहीं पहनते घर में, जाओ। पागल है, रुकती रहती है। अरे सो नहीं ना मम्मा। सॉरी कहने से क्या फायदा, बुखार हो जाएगा तुम्हें और फिर स्कूल में सो जाएगा, मुझे उसके चक्कर में घर बैठना पड़ेगा।
हेलो पापा, कैसे हो आप? आपको बहुत मिस कर रहा से बुरा सपना था, बिस्तर गीला किया उसने। अब ठीक है ना? सॉरी, फ्राइडे को इन्वेंटरी होती है। सिक्योरिटी इज नेसेसरी ना। एक तुम्हारा ही होटल है जहाँ फ्राइडे टू फ्राइडे इन्वेंटरी होती है। मैंने अवंती को ऊपर हमारे बेड पे सुला दिया, तुम आओगे तो नीचे काउच पे सो जाना। अच्छा सुनो, कल सुबह घर ठीक कर देंगे, तो रात को शीला आंटी और अभिषेक को डिनर पे बुला लें। ओके ठीक है, बोल दूंगी।
पिछली बार 3 दिन के लिए आया था, इस बार पता नहीं कितने दिन। मासी, मुझे शाम को आते आते देर हो जाएगी, कुछ खा लेना, ओके? गुड तो बिल्कुल भी नहीं है मॉर्निंग। खराब मौसम में फ्लाई करना यानी पैसेंजर्स की बददुआएं लेना। यार कभी तो पॉजिटिव बात किया कर, हमेशा कंप्लेन करता रहता है। पॉजिटिव बोलता तो रिजेक्ट नहीं करती। हाय अंकल। हेलो। देख रिजेक्ट करने के लिए ना पहले अप्लाई करना पड़ता है। मुझे तेरी कोई एप्लीकेशन नहीं मिली, ओके? अब दे दूं, छोड़ दे विकास को, मुझसे भी ज्यादा नेगेटिव आदमी है वो। मेरी बेटी के सामने फ्लर्ट करा, शर्म नहीं आ रही तुझे? काम कर, शाम को आके ना उसके सामने भी ये बात बोलिए, 8 बजे डिनर है। आराम से पहले घर सेट वेट कर लो ना, डिनर कल परसों कर लेंगे। पहले हाउस वार्मिंग करेंगे फिर घर सेट करेंगे। वैसे भी वो नेगेटिव खान साहब है ना, रिसोटो बना रहा है। तो मैं खा के आता हूँ। सो मीन। एक मिनट, शीला आंटी, आज शाम को डिनर है हमारे घर 8 बजे, प्लीज आ जाना, ओके? कुछ सुनाई नहीं दिया मुझे तुमसे। तेरे को सुनाई देता ना, आ जाना आज। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स होते हैं, वो सिर्फ रेडियो कम्युनिकेशन या रेडियो नेविगेशन को ही डिस्टर्ब नहीं करते। आप जो ये मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। ओए हेलो, क्या हाल है? हां बोल। ओ यार, ये स्काई एक्सचेंज क्या है? आजकल इसकी बड़ी बातें सुनने मिल रही हैं। तुझे स्काई एक्सचेंज नहीं पता? स्काई एक्सचेंज है इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज, जहां आप खेल सकते हैं घर बैठे ढेर सारे कैसीनो के गेम्स, और आप कर सकते हैं लाइव बेटिंग क्रिकेट, हॉर्स रेसिंग, फुटबॉल और टेनिस जैसे गेम्स पर। तो इंतजार किस बात का, अब मजे के साथ खेलें स्काई एक्सचेंज के साथ। और तो और, इंस्टेंट विड्रॉल 24/7 सर्विस भी अवेलेबल है। अभी जाएं और साइन अप करें www.skyexchange.com पर और पाएं 2% बोनस ऑन एवरी डिपॉजिट ऑफ 5K एंड अबव। अरे यार, ये तो बड़ी मस्त स्कीम है, रुक अभी जाता हूं। अवंती अवस्थी 1 2 5। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। तुम्हारे इंट्यूशन का यहाँ करेक्ट इस्तेमाल। डॉक्टर अकबर के साथ मतलब नाइटमेयर। कॉलेज से मन था आपको असिस्ट करने का, अब जाके मौका मिला। मौका तो तुमने जाने दिया। आई वॉन्टेड यू देन एज अ सर्जन इन ट्रेनिंग, तब मेरी बात मानती ना अंतरा, यू शुड हैव बीन डूइंग दिस प्रोसीजर। सर अब जब जैसा है ठीक है, मैं खुश हूँ। रियली आई एम हैप्पी। चलिए। और यू मिस्टर रंजित? गुड सर। गुड सर, इंसेशन कहाँ पे होगा? क्या कर रहे हो? आप क्यों कर रहे हो? मम्मा के साथ बैठो आगे। मम्मा, कुंकन कहाँ है? कुंकन 14,400 सेकंड दूर है, बहुत दूर है। क्यों? क्योंकि कुंकन में लोगों के घर उड़ गए। तूफान में घर उड़ जाते हैं, घर का ना एरोप्लेन बन जाता है। पता है जब आपके मम्मी पापा छोटे थे ना, तब ऐसे ही तूफान आया था बहुत जोर से,
पंखा उड़ गया। सच में पापा? यस, बिल्कुल सच। घर उड़ गए थे, पेड़ गिर गए थे, और इतनी बारिश आई थी कि हम लोग बोट में बैठकर आइसक्रीम खाने गए थे। और यार मुझे भी बोट पे बैठकर आइसक्रीम खानी है। अरे आपको भी लेके चलेंगे आपके मम्मी पापा, क्योंकि जब मम्मी पापा साथ होते हैं ना तो सेफ होते हैं, और आपके पास ये सेफ्टी स्टार भी है। देखो सेफ्टी स्टार। हाँ चलो अब जाके सांप सीढ़ी लेके आओ, खेलेंगे। ओके ठीक हो। 96 में जब तूफान आया था ना तो मैं गोवा में था, अनु चाचा के घर पे। हमारे छत पे तो एक पेड़ गिर गया था। जिंदगी में पहली और आखिरी बार बिजली को गिरते हुए देखा। It just hit the road. Such a sight, I tell you. विकास अब और नहीं हो रहा। क्या और नहीं हो रहा? पहले तुम बकवास भी करते थे ना तो अच्छा लगता था, तुम बोलते भी हो तो मन करता है कान में रुई डाल लूं। इरिटेट मी नाउ। यू रियली वांट टू डू दिस? एक महीना रुक जाते हैं ना अवंती के लिए। कम इन। मम्मा ये माइक्रोवेव? नहीं बेटा टीवी है। विकास ये किसका है, कैसे आया यहाँ पर? बेटा पता है ये क्या? ये वीडियो कैमरा है। हम जब आपके जितने छोटे थे ना उस टाइम पे इसी से सब रिकॉर्ड करते थे। मोबाइल फोन में कैमरे नहीं होते थे उस टाइम। मोबाइल फोन ही नहीं होते थे। मोबाइल फोन भी नहीं होते थे। तो आप लोग बात कैसे करते थे? लेट्स सी दिस लेक पिकनिक। ओके कॉलेज के टाइम से यही बनाता आ रहा है। खिचड़ी लेता है, उसमें थोड़ा चीज निकल के डालता है, फिर उसमें थोड़ा ट्रफल ऑयल डालता है और उसको रिसोटो बुलाता है। ये वन ट्रिक पोनी। ये आने का टीवी है। तो दिन रात अपने पापा के कैसेट्स देखता था। अब वो कहाँ गया? अब वो नहीं, दुबई में रहते थे उसके पापा। आई डोंट थिंक हिज पेरेंट्स वर टुगेदर एट द टाइम। लेकिन हमें क्या पता था तब। आई एम सॉरी, अने वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। हम लोग हर रोज इसी कमरे में बैठ के टर्मिनेटर देखते थे। यहाँ एक पोस्टर भी था टर्मिनेटर।
सामने घर है, उसमें एक मर्डर हुआ था 96 में। ऐसा ही कुछ तूफान था उस दिन भी। अभी मानना, मैं बस बात बता रहा हूँ, बात नहीं बता देना। उन्होंने घर खरीदा है ना, दे हैव द राइट टू नो कि यहाँ पे हुआ क्या था। जानने से क्या फायदा, तो घर खरीदी है ना, बताने से क्या फायदा। आपको नहीं सुनना तो आप बाहर चले जाओ। It's okay. No, no, it's not okay. मैं जब भी उसकी बात करता हूँ मुझे चुप करा दे। अभिषेक get off. सॉरी, आप लोग बातें कीजिए, मैं चलती हूँ। शीला, आप नहीं करेंगे उस घर में बात, लेट इट बी। तक आई रिमेम्बर हमारा स्कूल बंद था उस दिन के बाद से, ऐसे ही हो गए। सामने जो राजा अंकल और रिजता आंटी रहते थे, वो और मासी बहुत अच्छे दोस्त थे। लुक एट दिस, हमें घर खरीदने से पहले बताना चाहिए था ये सब। पुरानी बात होगी ना, भूल गया होगा। ऐसे कैसे भूल गया होगा, उसका बेस्ट फ्रेंड था, जान बूझ के नहीं बोला होगा मैं। और क्या लिखा? सरस्वती शुगर मिल जीएम राजा घोष सेंटेंस टू 14 इयर्स रिवर्स इंप्रिजनमेंट फॉर किलिंग हिज वाइफ। मैंने वो मर्डर नहीं देखा होता और उसके बाद उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ होता, तो ये राजा को उस बॉडी को शुगर मिल के स्प्रे पॉन्ड के बगल में दफनाने वाला था। कैन यू बिलीव दैट? तुम्हें कैसे पता है सब? लिखा है ये सब, तो राजा को उसने खुद ये सब कोर्ट में बोला है। तो अब तो वो जेल में है। He killed himself in jail. Just look at him. शक्ल से कितना डिसेंट लगता है। शक्ल से तो तुम भी बहुत डिसेंट लगते हो। मतलब कि शक्ल देख के तो नहीं बताया जा सकता ना कि कोई इंसान एक्चुअल में कितना डिसेंट है कितना नहीं। जैसे कि चार्ल्स सोबर्स की शक्ल में उन्होंने लिखा था कि वो गैंगस्टर है। हेलो, वो गैंगस्टर नहीं था। और तुम डिसेंट नहीं हो। ठीक है, ये किसका की कार्ड है? होटल के गेस्ट रूम का की कार्ड? किसके रूम का? अरे होगा किसी गेस्ट का यार, भूल गया होगा रिसर्च में देने। मैं दिख गया तो मुझे दे दिया होगा, रह गया मेरी पॉकेट में। अब इसके लिए तो झूठ नहीं बोलूंगा ना तुमसे।
मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ, ठीक है? यही रहना,
ये देखो देखो, ये ये तो राजा अंकल है। हाँ ये राजा अंकल, ये ना मर गए, ये जिंदा नहीं है। और ये पढ़ो, 12-year-old murder witness dies in an accident। हाँ ये तुम हो, फायर ब्रिगेड के नीचे आके मर गए थे तुम। दो तरह के टर्मिनेटर रहते हैं फीचर्स, एक हाथ में बचा लें, एक हाथ में मार लें। तुम्हें बचा लें, अगर तुम जिंदा होते मैं नहीं होता यहाँ पे, इस घर में तुम होते। इसलिए बोल रही हूँ उस घर में बिल्कुल मत जाना, जो होना तो हो चुका है उस घर के अंदर। अने तुम नहीं कर सकते उसका कुछ। अने 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 देखो अभिषेक ने बताई थी बात, अने अगले दो दिन तुम्हारे स्कूल में छुट्टी होने वाली है। डांस में मत जाना, जाएगा लाइटनिंग की वजह से। मेरी बात सुनो प्लीज, उधर मत जाओ। उठाने बोला था, पेशेंट को प्रेप कर दिया है, आप प्रोसीजर के लिए आ रहे हैं ना? टाइम क्या हो रहा है? 2:15 बजे हैं। ओके आई एम कमिंग। हेलो आप आ रहे हैं ना? आ रही हूँ, आ रही हूँ बस। आर यू ओके? हाँ मेरा ना तबीयत थोड़ी खराब लग रही है, आ रही हूँ मैं। आई थिंक आपने कल थोड़ी ज़्यादा पी ली थी। कहाँ ड्रिंक कर ली थी मैंने? कल आप बोले थे आप घर जा रहे हो। घर जा रही हूँ बट कैसे, मैं यहाँ पहुँची कैसे हूँ? कल आप कोई कैब लेके गए थे ना? कैब लेके गए मतलब? आपकी गाड़ी ख़राब हो गई थी, मैकेनिक बुलाया था हमने। चाबी मेरे पास है। कोई है भी नहीं इस घर के अंदर के। आ रही हूँ, पता नहीं कितना टाइम लगेगा यहाँ से, बट आ रही हूँ। मैम आई यू ओके? जो ब्लड कैपिलरीज है, आपका बीपी बढ़ सकता है, एड्रेनलिन बूस्ट हो सकता है। क्या क्या हो चुका है ऐसे जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स में ये हम ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं ये अभी जानना बाकी है। ये रंजीत जी हैं, ये कल रात ही आए प्रोसीजर के लिए। डॉक्टर सेतुपति ने इनका ऑपरेशन कल किया था ना? नहीं डॉक्टर, इनका ऑपरेशन अभी के लिए शेड्यूल्ड है, मैं इनको ओटी लेके जा रहा हूँ। आप सब मुझे डॉक्टर क्यों?
बाल किसने काटे मेरे? आपके बाल वैसे ही तो हैं, लंबे थे ना? नहीं मैम, ऐसे ही थे। मैम क्यों बुला रही है मुझे? बाहर सारे डॉक्टर बुला रहे हैं तो मैम बुला रही है। नोज रिंग भी गायब है। कौन सा नोज रिंग? अरे यार नोज रिंग जो मैं रोज पहनती हूँ। आप कब से नोज रिंग पहन रहे? आप क्या हो रहा है मेरे को? प्रोसीजर का क्या करें? पेशेंट को जिंदा रखना है, मार देना है। अगर मार देना है तो बता दो, मैं कर देती हूँ दोबारा प्रोसीजर। अकेले सर्जरी नहीं की है मैंने आज तक, सिर्फ टाके लगाने आते हैं। कहाँ है डॉक्टर सेतुपति? अपने कैबिन में है। और सुमित की चले ना, उनसे जाके पूछताछ कीजिए, मैं मैडम को हैंडल करता हूँ। सर क्या पूछेंगे? लेकिन मैडम कंप्लेन करिए ना, जाके पूछिए। फिर जाइए जाइए। बाय।
बाल किसी ने काट दिए, मेरा नोज रिंग गायब है, यहाँ तक कि मेरे नाक का छेद भी गायब है, चश्मे के बिना मुझे दिख नहीं रहा जो सर। Presented by Sky Exchange. No, I don't drink coffee. आपकी बेटी, sorry. अवंती. अवंती. आखिरी बार कब देखा था? कल रात को जब उसे सुलाया था. ऐसे क्यों देख रहे हो? देखिए, अगर अवंती यहाँ नहीं आती, तो मुझे कैसे पता होता कि वो जो इंसान वहाँ खड़े हैं, उनका नाम कपिल है, हाँ? वो जो इंसान वहाँ खड़े हैं, उनका नाम बोर्ड पे लिखा है. उस बोर्ड पे ये भी लिखा है क्या? स्विमिंग टीचर यहाँ पे 1-2 के बाद डाइव की जगह 5 बोलते हैं, ये भी लिखा है वहाँ बोर्ड पे? मैम, हमने पता किया है, अवंती नाम की बच्ची यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है. आप डॉक्टर हैं? नर्स. आपको नर्स है तो पता होगा ना कि नाक के छेद रातों रात बंद नहीं हो जाते. देखिए, आपके सरकाजम के लिए ना मेरे बिल्कुल टाइम नहीं है. मेरी बेटी गुम गई है, विकास को क्या बोलूंगी मैं? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको यहाँ पे लेके आना, यहाँ से लेके जाना. आप श्योर हैं आपने उसको यहाँ छोड़ा था? आपने मुझे बोला आप किसी और के घर पे उठे, किसी तो हॉस्पिटल चले गए, तो अवंती को कब छोड़ा आपने? हॉस्पिटल से पहले, हॉस्पिटल के बाद? विकास ने छोड़ा होगा, जब मैं बिजी होती तो वो छोड़ देता. ओके, तो विकास को फोन करिए, पूछिए उससे. उसका नंबर किसी ने फोन से डिलीट कर दिया. आपको उसका नंबर याद नहीं है? सारे नंबर नहीं याद रहते मुझे. कोई क्राइम है क्या कि आपको याद है क्या सारे नंबर्स? ओके. आपको आखिरी चीज क्या याद है? आखिरी चीज रात का याद है. घर पे डिनर था, कुछ फ्रेंड्स को बुलाया था, बहुत लाइटनिंग हो रही थी, इस वजह से अवंती को डर लग गया तो मैंने उसे सुला दिया. उसके बाद फिर लड़का था टीवी पे. कौन लड़का? अवंती स्विमिंग क्लासेस पे गई थी कि नहीं आज? अवंती? Who's अवंती? Please don't screw up my mind. आज के लिए बहुत हो गया. ये तुम्हारा आइडिया क्या अभिषेक का, मुझे समझ नहीं आ रहा. आप प्लीज रिलैक्स हो जाइए. आप पानी पियेंगे? आप? मैं पानी पीने नहीं आई हूँ विकास. अवंती नहीं मिल रही है. आप होटल में रहती हैं? हम पहले कहीं मिले हैं. May I know what's your name if you don't mind? बीसीबी आनंद. आप इन्हें नहीं जानते? Why? Is she famous? Please, it's getting a little too much. Please. Please what? अरे भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको नहीं पहचान पा रहा हूँ, लेकिन आप बोले जा रही हैं. What's going on? मैंने कहा था तुम सिगरेट नहीं पी रहे हो. Excuse me. मैं इज्जत से आपसे बात करूँ, लेकिन आप समझ ही नहीं रही. आप बोले जा रही कि अवंती को जानते हो, इसको जानते हो, फला. क्या हो रहा है भाई? I don't know what's. What are you talking about? What's going on? Ma'am. Who are you? Ma'am. Please, बाहर वेट करिए. मैडम कौन है अवंती? क्या मैं प्लीज आई
आप डॉक्टर वशिष्ठ को बिल्कुल नहीं जानते, राइट? डॉक्टर वशिष्ठ? डॉक्टर अंतरा वशिष्ठ? डॉक्टर अंतरा वशिष्ठ? गॉड, डॉक्टर वशिष्ठ ने तो मेरी जान बचाई थी। या शी सेव्ड माय लाइफ। ट्रांसफार्मर चल गया, ना पंखा चल रहा, ना लाइट चल रहा, पढ़ाई कैसे हो? उन्होंने मुझे बोला था कि ट्रांसफार्मर जल जाएगा और स्कूल दो दिन के लिए बंद हो जाएगी। अब देखो क्या हुआ। क्या बोले जा रहे हो तुम? अने कौन है ये औरत जो टीवी पे आती है, और कैसे बचाया उसने तुम्हें? वो मेरे रूम में थी और मैं भी मेरे रूम में था। उन्होंने बोला बाहर मत जाना, फायर ब्रिगेड आके मार देगी। और मैंने देखा मम्मा फायर ब्रिगेड को जाते। तुम सुन रहे हो जो तुम क्या कह रहे हो? हाँ मम्मा, अगर मैं कल राजा अंकल के घर जाता तो मैं अभी मर जाता, लेकिन मैं नहीं गया, इसलिए मैं अभी जिंदा हूँ। वो फ्यूचर सही थी टर्मिनेटर की जैसे, और वो ब्लू क्रॉस हॉस्पिटल में काम करती है। तुम्हारी इंग्लिश पिक्चर है ना, मैं जला दूंगी। जाओ इसको पकड़ो, हाथ धो क्या। पहले मुझे ये जानना है कि अनिल जिंदा है कि नहीं, कहीं मैंने उसे सच में बचा तो नहीं लिया। आई थिंक मुझे पता है क्या हुआ है। क्या? अनिल जिंदा है, मतलब मैंने पास में जाके पास बदल दिया, इसकी वजह से
प्रेजेंट बदल गया, बट अन्य को बचाने की वजह से मेरी लाइफ, दैट्स नॉट मेकिंग सेंस. आई बिलीव यू, पर मेरे विश्वास करने से बाकी लोग पर विश्वास नहीं करेंगे ना. जो बोल रही है ना साउंड्स इम्प्लॉसिबल. मैं खुद समझने की कोशिश कर रहा हूँ. कल तूफान आया था, बाधा गरज रहे थे और तुम्हें राजा अंकल के घर से तोड़फोड़ की आवाज सुनाई दे रही थी. मैं चेक करने जाने वाला था लेकिन उन्होंने मुझे वार्न किया था कि बाहर मत जाना, बाहर जाओगे तो फायर ब्रिगेड आके मार देगी. एक बार ही और तुमने फायर ब्रिगेड बोला ना तो मैं तुम्हें मार दूंगी. खाना खाओ. विकास की अपनी सिक्योरिटी एजेंसी है, उसकी बीवी का नाम भावना अवस्थी है. वो 2 साल पहले यहाँ पर छुट्टी पर. आपकी और उसकी कोई शादी का रिकॉर्ड नहीं है, अवंती अवस्थी का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है. पूरे डिस्ट्रिक्ट में किसी भी स्कूल में उसका नाम रजिस्टर्ड नहीं. आप अंतरा वशिष्ठ के नाम से रजिस्टर्ड हो, 7 साल से ब्लू क्रॉस हॉस्पिटल में सर्जन हो. डॉक्टर सेतुपति आपको यहाँ पर लेकर आए थे, वो आपके कैरेक्टर है. मैं आपकी बेटी अवंती को ढूंढना चाहता हूँ. बट फर्स्ट यू हैव टू एस्टैब्लिश दैट शी एग्जिस्ट. क्या मैं आने से मिल सकती हूँ? आपको नहीं लगता पहले हमें डॉक्टर सेतुपति से मिलना चाहिए? यू ट्रस्ट हिम राइट? चलिए बात चलते. जब तुम सो रहे थे मैंने तुम्हारी एक कैसेट देखी, वो पिकनिक वाली. कोई औरत नहीं थी बेटा. जब मैं तुम्हारी जितनी थी मुझे भी लगता था मेरे सपने सच हैं. लो खाओ. मुझे लगता था मेरी गुड़िया मुझसे बात करती है. शक हो जाएगा पुलिस को. मुझे अभिषेक के लिए डर लग रहा है. अगर मुझे कुछ हो गया तो वो उसे ऑर्फिनेज भेज देंगे. किसी को कुछ नहीं होने दूंगा. तुम बस वही करो जो मैंने कहा है. जब तक मैं ना बोलूं वापस मत आना. मैं यहां सब ठीक कर दूंगा. रिलैक्स.
पास प्लास्टिक बैग है कैरी। ये भी मार लीजिए। Everything is where it has to be, fortunately. Scans are okay, vitals are good. We have to take some stress tests. Doctor, मैं कहानियाँ क्यों बनाऊंगी? Die. करना. हम एक दूसरे को तब से जानते हैं ना, जब से मैं तुम्हारे कॉलेज में पढ़ाना आया. Do you trust me? दो महीने पहले अवंतिका नाम की बच्ची कोल्हापुर से यहां आई थी डिफरेंस में। शी हैड ब्रेन ट्यूमर एंड आई सेड वी कैन नॉट सेव हर बट यू इंसिस्टेड। तुमने कहा उसे बचा लोगे बट शी कॉन्ट सर्वाइव। अवंतिका की डेथ से तुम बहुत अफेक्ट हुई। यू स्टार्टेड ड्रिंकिंग घर पे कार में और इवन इन हॉस्पिटल। अंतरा ये अंडा करना You're doing this. ड्रिंक करते हो तो होश नहीं रहता है, होश नहीं रहता तो गिल्ट भी नहीं होता है। ऐसे ही सिमिलर केस 1.5 साल पहले एक सिक्योरिटी कंपनी का मालिक विकास अवस्थी भी किया था, उसको बचा दिया था। How is that possible? सिग्नेचर तुम्हारा है। I am not a freaking doctor. दे Avantika's death caused severe trauma. It's a classical repression. Tumhari drinking wajah se maine tumhe chutti pe jaane ko bola. I wanted you to go somewhere, but you daily come here and relive your failures. Sir, sir, I'm ready. Mr. Ranjit ki surgery main karungi. I don't think so. Sir, maine 3 din se bottle ko haath nahi lagaya. I really need to do this, sir. And yesterday night, you got drunk again. और टैक्सी लेके निकल गई? तो फिर मुझे ये कैसे याद है कि मिस्टर रंजीत का ऑपरेशन आपने किया था और प्रोसीजर के दौरान उनका बीपी स्पाइक हो गया था? बीपी अवंतिका का स्पाइक हुआ था। You have it all mixed up. Okay, ठीक है। तो मतलब आप सब सच बोल रहे हैं, मैं झूठ बोल रही हूँ, okay? तो बताइए मैं क्या करूँ? मैं कैसे आगे बढ़ूँ? मैं वो लाइफ कैसे जीऊँ जो मुझे याद ही नहीं है? सर मुझे ये याद है कि मेरी एक बेटी है 6 साल की, इसका नाम अवंती है। वो 4 फुट की है, उसे स्विमिंग करना बहुत पसंद है और उसे लाइटनिंग से बहुत डर लगता है। वो मेरे दिमाग में रियल है। तुम्हारा माइंड इधर उधर फैले डॉट्स जोड़ रहा है। ठीक है, मान लिया आई ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स। ठीक है, ये अवंतिका नाम की लड़की को मैंने ऑपरेशन बेड पे मार दिया था और उसका मुझे ट्रॉमा है और वो डॉट मैं विकास अवस्थी के डॉट से जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अवस्थी नहीं हूँ, मैं वशिष्ठ हूँ, मैं नर्स नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो, बट जो मेरे दिमाग में डॉट्स हैं उनका क्या करूं? वो आपके इन डॉट्स से नहीं जुड़ रहे ना। बताइए क्या करूं इनका मैं? अंतरा सॉरी डॉक्टर, Come on.
शार्क्स बेटिंग का सीजन है और लोग हर स्पोर्ट में बेटिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं। तो आपने शुरू किया क्या? देखो ये बेटिंग मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। ये इस चीज की टेक्निकल नॉलेज भी मेरे पास नहीं है और मेरे पास इस फील्ड की एक्सपर्टीज भी नहीं है। मैं पहले से ही आउट होना चाहती हूँ। बट आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड ग्रेट सक्सेस। थैंक यू मैम। ठीक ऐसे ही जिन लोगों को बेटिंग से रिलेटेड टेक्निकल नॉलेज की समझ नहीं है उनके लिए हमने बनाया है स्काई एक्सचेंज, जिसमें आप 3-step सिंपल प्रोसेस से बेटिंग कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। बस वेबसाइट से व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और एक UPI पेमेंट के थ्रू आपको अपनी यूजर ID और पासवर्ड मिल जाएगा और इससे आप इजिली बेटिंग कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो कितना इजी और ट्रस्टवर्दी प्रोसेस है और सिंपल भी है। इसमें तो टेक्निकल नॉलेज की जरूरत भी नहीं। मैं तो पहले से ही इन थी। वेट किसका कर रहे हो? आओ आके चेक ले जाओ। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फिसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1-800-11-2356 पर कॉल करें या मिस कॉल दें 0112-9-01-701 पर। मैंने कब सोचा था मेरी जिंदगी यूं बदल जाएगी? सब कुछ इतना अच्छा था, एक अच्छा पति, 2 प्यारे बच्चे, लेकिन तंबाकू ने सब कुछ बदल दिया। अब इस फैलते हुए कैंसर को मेरे चेहरे से काटना पड़ेगा। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। तंबाकू ने मेरी जिंदगी नष्ट कर दी। कहनी, गुटखा, तंबाकू, जर्दा, पान मसाला आपका जीवन उजाड़ देते हैं।
कौन हो तुम? हाय भावना। कौन हो तुम? अंतरा। कौन अंतरा? क्या कर रही हो यहाँ पे? तुम विकास के साथ हो। तुमसे मतलब? तुम विकास को जानती हो? विकास? क्या हुआ? विकास? तुम दोनों यहाँ रहते हो? विकास! उसको नीचे रखो। I'll hit you, हाँ? उसको नीचे रखो। क्या हुआ? कौन है ये? विकास, वो टीवी कहाँ है? कौन सा टीवी? टीवी जिसके ऊपर वीडियो रिकॉर्डर लगा था। अरे कौन सा टीवी, कौन सा वीडियो रिकॉर्डर? वो लड़का दिखाता ना रात को, वो टीवी, वो पुराना सा कहाँ है? टीवी था ना एक। डॉक्टर अंतरा वशिष्ठ, आप क्या कर रही हैं? तुम जानते हो इसे? अरे ये डॉक्टर अंतरा वशिष्ठ, इन्होंने मेरा ऑपरेशन किया था और ये मेरे होटल भी आ गई थी। क्यों? अरे यार इनकी बेटी गायब हो गई है, उसी को ढूंढ। हमारी बेटी विकास। डॉक्टर प्लीज। हमारी बेटी गायब हुई है ना? कहाँ है उसका? ओए हेलो, क्या हाल है? हाँ बोल। वो यार ये स्काई
एक्सचेंज क्या है? आज की मिल रही स्काई एक्सचेंज नहीं पता। स्काई एक्सचेंज है इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज, जहां आप खेल सकते हैं घर बैठे ढेर सारे कैसीनो के गेम्स, और आप कर सकते हैं लाइव बैटिंग क्रिकेट, हॉर्स रेसिंग, फुटबॉल और टेनिस जैसे गेम्स पर। तो इंतजार किस बात का, अब मजे के साथ खेलें स्काई एक्सचेंज के साथ। और तो और इंस्टेंट विड्रॉल 24/7 सर्विस भी अवेलेबल है। अभी जाएं और साइन अप करें www.skyexchange.com पर और पाएं 2% बोनस ऑन एवरी डिपॉजिट ऑफ 5K एंड अबव। अरे यार ये तो बड़ी मस्त स्कीम है, रुक अभी जाता हूँ। मुझे जस्ट सिर्फ नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। आप हम कहाँ मिले थे? एक आपको टॉवल चाहिए? आई विल गेट यू अ टॉवल। Looking for something specific? Thank you. तुम पायलट बनना चाहते थे ना? जहाँ ऐसे थोड़ी ना हो जाता है मैम, चाहता तो मैं सचिन तेंदुलकर भी बनना था। How do you know? तुम्हारे पापा पायलट थे ना? हम रियली जानते हैं क्या एक दूसरे को? विकास तुम्हारा पड़ोसी है राइट? विकास अवस्थी? हाँ I know, आप हैं डॉक्टर अंतरा वशिष्ठ राइट? पहचाना ना मैंने, आप थी ना उसकी, आप ही ने उसकी ब्रेन सर्जरी की थी ना, बचा कुचा ब्रेन भी निकाल दिया उसका, नहीं करना चाहिए था आपको। कैसी हैं आप? अने याद है? अने 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 उस घर में रहता था ना जहाँ विकास रहता है। आप क्यों आई हैं यहाँ मैम? हाउ डू यू नो अने? से मिलाया था कॉलेज में। और हम कैसे मिले थे? हम सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। डॉक्टर सेतुपति वो मेरे मेडिकल कॉलेज में एक बार पढ़ाने आए थे। अभिषेक राइट? डॉक्टर सेतुपति उनको तुम्हारी शीला आंटी ने एक अचार की बोतल दी थी तुम्हें पकड़ाने को, तो मैं तुम्हें देने आई थी तुम्हारे कॉलेज। उसके बाद हम मिलते रहे पता है कैसे। Thumbs up? You wanted to ask me out on a date, but तुम्हारे पे हिम्मत नहीं थी, so you asked me out on a double date. वहाँ विकास और भावना से मिली। भावना, तुम्हारी friend जो photography department में थी? और फिर eventually आपकी शादी हुई विकास से? हाँ। और आपका एक बेटा है? बेटी है। और फिर आप आई यहाँ मेरे शहर में। और फिर आपकी हाउस वार्मिंग पे तुमने मुझे बताया था अनिल के बारे में, कैसे वो फायर ब्रिगेड के नीचे आके मर गया था, और उसी रात मेरे टीवी पे अनिल आया, मैंने उसकी जान बचाई। उसके बाद से मेरी पूरी जिंदगी बदल चुकी है, मुझे कोई पहचान ही नहीं रहा है। अवंती किसी के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। विकास ने भावना से शादी कर लिया, तुम यहाँ पे किताबें बेच रहे हो। कितनी बार पढ़ी आपने वो किताब? कितनी बार पढ़ी आपने? क्योंकि आप जो बोल रही हो ना वो उसका सीक्वल लग रहा है एकदम। आप नहीं पढ़िए 2:12? मैं सच बोल रही हूँ, रियल में हुआ था। अने भी यही बोलता था, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा विश्वास करो, कुछ भी कहानियां बनाता रहता था। वो
कहता था कि उसका जो टीवी है ना वो एक पोर्टल है, यू नो, गेटवे, जो 2:12 पे खुल जाता है और फिर उसमें एक औरत आती है जो उसे कुछ कुछ कहानी बताती है। अब दोबारा क्यों? दोबारा इसलिए क्योंकि जब वो फायर ब्रिगेड के नीचे नहीं आया था और जिस समय वो नहीं मरा था उस समय उसकी घड़ी में 2:12 हो रहे थे। दैट्स व्हाई। स्वयं मैं कोई कहानी नहीं बना रही हूँ। सेम सेम सेम, अने यही कहता था। राजा अंकल को आप जानती? जानती होंगी। राजा अंकल की वाइफ उनको छोड़ के चली गई थी। इस इडियट ने पुलिस को बोला कि राजा अंकल ने अपनी वाइफ को मार डाला। तो पुलिस ने पूछा, भाई तुम्हें कैसे पता? तो उसने कहा, मेरे टीवी पे वो औरत आई थी ना, उसने मुझे बताया था। तो पुलिस ने कहा, भाई बुलाओ, कहाँ आए, दिखाओ। बोला, वो तो चली गई ना, क्योंकि 2:12 पोर्टल बंद हो गया ना। अब 2:12 पोर्टल खुलता था या 2:12 बंद होता था ये तो नहीं बता सकता है। या डॉक्टर स्ट्रेंज, नहीं तो क्रिस्टोफर नोलन को तो पक्का पता होगा। मेरे सामने तो नहीं मरा। किताब किसने लिखी? सोनिया मैथ्यूज कौन है? उसकी थेरेपिस्ट ने लिखी है ये किताब। हिंजेवाड़ी में वर्ल्ड फेमस है ये। ये बिकती भी यही है और पढ़ी भी यही जाती है। पोलो केलो यहाँ पे अंगड़ाई ले रहे हैं, ये बेस्ट सेलर बन गई है यहाँ पे। कहाँ मिलेगा ना? वो तो शहर छोड़ के चला गया मैम, जब से वो यहाँ मजाक बन गया था। टीवी पे औरत, पड़ोस में मर्डर, टर्मिनेटर टाइप सेवियर, सारा सारा दिन कुछ भी बात करता रहता था। ये कम्प्लीटली लॉस्ट इज प्लॉट। टीवी के सामने बैठ के उसको घूरता रहता था, वेट करता रहता था कि कब आएगी उसकी आर्नोल्ड स्क्वार्ज़नेगर। सुनील शेट्टी तक नहीं आया तो आंटी ने घर बेच दिया और अन्य को लेके चली गई। और उसके बाद से वो कहाँ है किसी को नहीं पता। They're closed. अरे क्या हो रहा है, तूफान है, लोग किताब खरीद लिया। सब ये क्लोज्ड। हाय, मैं उनके लिए आया। ये प्रूफ है कि मैं सच बोल रही थी। अरे बैठ के तो कुछ हाल, सुबह कुछ खाया नहीं थी। तो बेसिकली इस दुनिया में अने जिंदा है, उस दुनिया में अवंती। इस दुनिया में मेरी शादी नहीं हुई है और उस दुनिया में मेरी बेटी है। इस दुनिया में भी तो तुम्हारी कोई जिंदगी होगी। जिस घर में उठी थी किसी का तो घर होगा, कोई तो होगा तुम्हारा। कुछ जब भी मेरे बारे में किसी को बताता था सब उस पर हंसते थे। किसी ने उसका विश्वास ही नहीं किया जब उसने बोला राजा घोष ने मेरी बीवी को मार दिया। तो मेरी दुनिया के अंदर राजा घोष पकड़ा गया था और जब उसको कोर्ट लेके गए थे वहां उसने कन्फेस किया था और ये भी बताया था कि वो कहां पे अपनी बीवी की लाश गाड़ने वाला था। इस दुनिया में आने जिंदा है, राजा घोष पकड़ा नहीं गया है। मतलब उसने लाश वहीं छुपाई होगी ना जहां पे उसने बोला था वो छुपाने वाला था। तो मैं ढूंढना चाहिए ना। उससे क्या होगा? उससे प्रूव हो जाएगा कि अनिल सच बोल रहा है और फिर शायद वो सामने आ जाए। He knows what I'm talking about, तो maybe he can help me इस दुनिया से उस दुनिया में जाने को। हाँ
हमेशा फ्यूचर से पास में खुलता था, मतलब कि पोर्टल खोलना उसके हाथ में नहीं था, इसलिए जब भी तूफान आता था अन्य टीवी खोल के बैठ जाता था। और ये जो स्टॉर्म है रेडियो पे जो बोल रहे हैं, ये स्टॉर्म वैसा ही स्टॉर्म है जो 96 में आया था। हाँ, हो सकता है। इसका मतलब पोर्टल अभी भी खुला हुआ है, अगर वो सच में दोबारा भी बंद हो गया तो। अने? कोई तुमसे मिलने आया है, चलो। ये सोनिया आंटी है, मेरी दोस्त, तुमसे बात करने आई है। हेलो। हेलो बेटा, कम अन, बैठोगे मेरे साथ? आई बी आउटसाइड, अभी मेरे नहीं थी। गुड इवनिंग। हेलो। कोई काम था? नहीं, वो अनय एक्चुअली कह रहा था कि उसने अपनी खिड़की से कुछ लोगों को लड़ते हुए देखा आपके घर में, सब ठीक है? किसी को देखा उसने? क्योंकि मैं घर में नहीं था, तो जब आया तो वो पीछे का दरवाजा वो खुला था और वो रुजुता का डायमंड रिंग गायब है। मटन लाया था ना, बन रहा है अंदर। समझ में नहीं आ रहा शीला, अने यहाँ तो टीवी के सामने बैठा रहता है, या ये जो है ना राजा घोष, उसके घर को घूरता रहता है, कहता है मारपीट हुई है और जुता को मार डाला है उसने। What? तुम सुन रही हो, तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारे बगल वाले घर में किसी ने किसी को मार दिया और तुम्हें पता भी नहीं चला? नहीं यार, कुछ तो है। और ये राजा घोष बहुत ही अजीब आदमी है, मैंने उसको ना अपनी गाड़ी साफ करते हुए देखा, जैसे मैं आई उसने फटाक से डिक्की बंद कर दी, और उसके एक दिन पहले वो बड़े बड़े गार्बेज बैग्स नहीं होते, उसको डालते हुए देखा गाड़ी में। कुछ तो है, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए पुलिस के पास। ना पागल हो गई हो क्या? पता है कितनी बड़ी बात है किसी पर इल्ज़ाम लगाना, और अगर ये बात सच साबित नहीं हुई तो कॉलोनी में रहना मुश्किल हो जाएगा। ड्यूटी पे कौन है? फैक्ट्री 24 घंटा चालू रहता है सर। ये स्प्रे पॉइंट क्या होता है, कहाँ पे? स्प्रे पॉइंट वो फैक्ट्री के पीछे होता है। साथ पुलिस स्टेशन आना होगा, कुछ पूछताछ करनी है। चलिए, पहले केस रीओपन होगा, राजा घोष को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाएंगे, फॉरेंसिक्स को भी प्रूफ करना पड़ेगा कि बॉडी उनकी एक्स वाइफ की है, फिर न्यूज में आएगा। उसके बाद शायद आने भी मिल जाए। पर पोर्टल सिर्फ आज रात तक खुला है। तुम्हें कैसे पता? उसके पहले मुझे ढूंढना होगा अने कहाँ है। किसी को तो पता होगा, अने और उसकी मम्मी को घर बेच के कहाँ गए हैं। अने मिल भी गया तो क्या होगा,
उसे अवंती कैसे मिलेगी? उसका टीवी था, उसकी कहानी में तो पता नहीं कहां से फंस गई हूं इसके बीच में। आई थिंक आई नो किसे पता होगा। किसे? विकास को। उसने घर खरीदा था, किसी को पैसे ट्रांसफर किए होंगे ना उसने, नहीं तो उसके लॉयर को या सीए को या रियल एस्टेट एजेंट किसी को तो पता होगा। आज दिन कौन सा? फ्राइडे। फ्राइडे को विकास घर नहीं आता, मुझे पता है कौन। मुझे पुलिस स्टेशन जाना है, शीला और राजा को वहां पे क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया है, मैं वही मिलूंगा। आप ढूंढ लीजिए अपने आने को, मिल जाए तो मुझे बता देना। तुम्हारी जेब से ना की कार्ड और लाइटर निकला था, लाइटर पे इसके इनिशियल्स है, लाइटर पे इनिशियल्स है, वाटर बॉटल पे इनिशियल्स है। एक बार चेक कर लो, पीठ पे पूरा सिग्नेचर तो नहीं मार दिया इसने कहीं? अब क्यों मेरे पीछे पड़े हैं डॉक्टर, क्या चाहिए आपको मुझे? आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं कौन है अवंती। मुझे आने का पता चाहिए। अने अने कौन है? अने जिसके घर में तुम रहते हो, जिससे 2 साल पहले तुमने घर खरीदा था, वो अने। दो साल पहले जिसने वो घर मुझे बेचा था, उस आदमी से मैं नहीं मिला हूं। उसने पावर ऑफ अटॉर्नी एक लड़की को दे दी। पैसे तो ट्रांसफर किए होंगे ना तुमने? अरे पैसे तो आपके हॉस्पिटल को भी ऑपरेशन के बाद ट्रांसफर किए थे मैंने मैडम। किस अकाउंट में ट्रांसफर किए थे पैसे? एड्रेस होगा ना डीड के ऊपर?
वो सेल्स डीड उस लेडी के साथ साइन की थी और पैसे भी उसी के अकाउंट में ट्रांसफर किए। ठीक है फिर लेडी का एड्रेस दो। अभी क्या एक और मारना है क्या? ठीक है बाहर वेट करती हूँ। भाई साहिबा ने आज बोलो ले सरस्वती शुगर फैक्ट्री ये रिमेन्स मिले वो आपकी पहली बीवी रुजुता ये उनका कंकाल है आपको छोड़ के चली गई थी ना आपको कैसे पता ये उसका है पता करना मुश्किल नहीं होता है कि ना बॉडी को काट कर चार प्लास्टिक बैग्स ठूस कर स्प्रे बॉन्ड के बगल में दफनाया हुआ था 25 साल पहले एक विटनेस था उसने भी यही बोला था किसी ने उसका विश्वास ही नहीं किया बेटा अगर तुम्हारी बात झूठ निकली ना तो तुम्हें बहुत लंबी सजा होगी जेल गए हो कभी जानते हो कैसे कैसे लोग आते हैं प्लीज इसको डराइए मत ऐसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगा ये कभी झूठ नहीं बोलता और वैसे भी बच्चे झूठ नहीं बोलते बच्चे ही झूठ बोलते हैं मैडम आप इनका घर जाके देखिए ना इन्होंने कहा तूफान के वजह से दरवाजा टूट गया फिर गमला टूट गया उसमें मिट्टी भरने के लिए गार्डन खोद रहे थे अपना मैं तो कुछ पूछा भी नहीं और जब मैंने पूछा उन्होंने कहा चोरी हो गई थी कोई घुसा आया घर के अंदर मटन बन रहा है झूठ तो ये बोल रहे हैं कहना क्या चाहती है ये मटन बनाना गमले में मिट्टी डालना ये सब क्राइम है आपसे बात नहीं कर रही मैडम सुनिए मेरी बात घर हमने चेक कर लिया है ठीक है जांच पड़ताल पूरी हो चुकी है और एक्चुअली आप जो अभी इसके बगल में बैठी है ना यहाँ पे ये अलाउड नहीं है तो बेहतर तो ये होगा कि आप कुछ बोले ना मैंने देखा इनको प्लास्टिक बैग्स डालते हुए अपनी डिक्की में पूछिए इनसे आपने देखा बैग के अंदर क्या था खून था जमीन पे ये साफ कर रहे थे मैडम हर खून इंसान का खून नहीं होता है तो चोरों की तरह क्यों साफ कर रहे थे पूछिए सुनिए बात मेरे ध्यान से बच्चा है इसलिए प्यार से पूछ रहा हूँ घसीट के ले जाता अंदर बंद कर देता इसे अरे आप तो किस्मत वाली आपको इतना अच्छा नेवर मिला है इन्होंने आपके अगेंस्ट एक कंप्लेन तक नहीं की और आप यहाँ पे बोलती चली जा रही हमें ये भी पता है कि रुजुता के गायब होने के अगले दिन उसके नाम की टिकट यूज करके यहां से आप गई थी शिलांग राजा घोष तुझे लगता है तो अमेरिका में है तू ना कहीं नहीं जाने वाला तो यहीं सड़ेगा पहले पुलिस कस्टडी में फिर जुडिशियल कस्टडी में अरे लोगों को तो बिना बात के उठा लिया जाता है यहां तो फिर भी कंकाल मिला है इन्होंने कुछ नहीं किया शीला क्यों कुछ भी किया मुझे बचाने के लिए बोल ले तुम मुझे जानबूझ के तुम्हें ना किया था बस हो गया कितने सालों से अपने साथ लेके घूम रहे हाय अभिषेक हाय हाउ आर यू फाइन हाउ आर यू पढ़ाई चल रहा है ना कहाँ गई थी वो घर के लिए खाना ग्रोसरीज अच्छा अच्छा हाय रुजुता हम चलते हैं मेरे हस्बैंड के डेथ के बाद
राजा हमारी काफी हेल्प करते थे। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मैंने नो, इट्स ओके। और कुछ चाहिए तो बोल दीजिएगा। पर चाय? नो नो नो, आई विल बी लेट। राजा रुजुता के साथ खुश नहीं थे, मैं भी अकेली खुश नहीं थी, पर हम दोनों एक साथ। कहीं और चला जाऊंगा। She pushed me towards Sheila, और शीला के पास भालू लग तो मम्मी के पास जा रही हूँ। कब? आज दोपहर की फ्लाइट है। ठीक है, वहाँ लैंड करके फोन कर देना। तुम रह पाओगे अकेले? खुने से भी वो चिल्लाती थी, चीजें फेंकती थी मुझ पर, खुद को घायल कर चुकी थी दो तीन बार। पता चलता तो पता नहीं क्या करता। बस यही था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो अभिषेक का क्या होगा। आई हैड नो अदर ऑप्शन। आपने अपनी गलती की सजा उस बच्चे को दी, उसको झूठा साबित करके उसका मजाक बना के। ऑप्शन क्या था मेरे पास? उसने देखा था आपको जब अपनी वाइफ की बॉडी को ना। ऑप्शंस क्या था मेरे पास? एक डेड बॉडी आपके घर में पड़ी हो, एक सिविलाइज्ड कॉलोनी में, उसे कैसे बाहर ले जाओगे? मैं
मजबूरी जल्लाद बना देती है आपको। और जो आदमी अपनी बीवी के शरीर के टुकड़े कर सकता है उसके लिए झूठ बोलना तो मुश्किल काम नहीं होता। और अनय ने तो मेरा काम बहुत आसान कर दिया। He said, फ्यूचर से किसी औरत ने आके उसको बताया कि बगल वाले घर में क्या हो रहा है। आपके लिए आसान था सर, उसके लिए आसान नहीं था। उसको काउंसलर्स साइकेट्रिस्ट के पास भेजा गया। बेटा किसी ने उसकी बात नहीं मानी। Are you sure you were not dreaming? Or maybe you were mixing up events in your life? I saw her. ना डॉक्टर्स ने ना पुलिस वालों ने, उसकी माँ बस लड़ती रहे उसके लिए। ओए, दोबारा? वैसे आँख बन गया था, दोस्तों ने भी बात करनी छोड़ दी। बस टीवी के सामने बैठा रहता था, उसी उम्मीद में कि वो औरत दोबारा आएगी। हेलो, उसकी माँ और वो इतने अकेले हो गए अपने लोगों में, शहर छोड़ के चले गए। अने के पास एक होप थी, अने को ये पता था कि वो जो औरत टीवी पे थी वो एक ना एक दिन ब्लू क्रॉस हॉस्पिटल जरूर आएगी। जिंदगी यही है अनय के साथ। 5 साल से तुम दोनों साथ हो। आनंद, तुम्हारे हाथ में उसका टैटू भी है।
तो मैं सब बताता हूँ, पहले से सब जानते थे। मैं नहीं जानता था, मुझे बस इतना पता था जब मैं छोटा था मेरी टीवी पे एक औरत आई थी, वो तुम थी। अवंती कौन है कहाँ है मैं जेन्युइनली नहीं जानता। तुम मेरी रियलिटी हो, अवंती तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अनिल तो एग्जिस्ट करता है, मुझे तुम पहले नहीं बता सकते कि तुम मान हो। बोलता तो मान लेती, तो मुझे एक रात में बोल गई। दिमाग में तो आने अभी बीच मेरा कल का बच्चा है, मेरी जिंदगी हो तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम प्यार करते हो। मैं सचमुच तुम पे याद करूँ जो रात तुम एक दिन से जी रहे हो ना, 20 साल जिए मैं, तब मुझे पागल पागल बोलते थे, हर टीवी के सामने बैठा रहता, वेट करता कि तुम कब आओगे। अरे शक्ल ना दिमाग से जाती नहीं थी, मेरी छप गई थी तुम अंदर। मुझे बस तुम्हारा नाम पता था और वो ब्लू क्रॉस हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल को ना अपनी आंखों के सामने बनता हुआ देखा है मैंने, एक एक ईंट के सामने लगी, बस बाहर वेट करता रहता था तुम्हारी, तुमसे मिलना था, फिर देखना था दोबारा, बात करनी थी, पूछने थे सवाल, झूठा नहीं था, रोज जाता था, रोज वेट करता था, जो अंतरा से मिलना था, वही अंतरा जो मेरी टीवी पे आई थी, वही अंतरा जिसने मेरी जान बचाई थी। मैंने उस दिन डिसाइड कर लिया था कि तुम्हें ना तुम्हें जाने नहीं दूंगा जब तक मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते। तुम्हें जानने लगा, रोज मिला, फिर जैसे जैसे तुमसे मिला ना, 20 साल के सवाल थे और चोटें लगने लगे, मिलने के बाद भूल गया मैं उस रात को। गुड फॉर यू एंड गुड फॉर यू। कर रही हो तुम्हें, तुम बच गए ना, तो मैं तुम्हारी अंतरा मिल गई। अवंती का क्या, उसे कौन बचाए, तो बाप उसको छोड़ के जाने वाला है। मैं कैसे पता, तुम्हें कैसे पता अवंती वहां पर अकेली है, उसके पास उसकी अंतरा नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ हूँ ना, इसलिए। तुम समझ नहीं रही हो, जैसे तुम यहाँ हो, मैं यहाँ हूँ, हम दोनों यहाँ पर हैं, वैसे उसकी भी वहाँ पर अंतरा होगी ना, हो सकती है। नहीं हो सकती ना, क्योंकि मेरे दिमाग में एक ही अंतरा जिसको इस टाइम अवंती के साथ होना चाहिए और नहीं है। मुझे नहीं समझ में आता ये पैरेलल यूनिवर्स, मुझे अवंती के पास जाना है, वो जिस भी यूनिवर्स में मुझे उसके पास जाना है। ये हमारी दुनिया, तुम और मैं, we have a world together here. No, we don't. We don't. ये तुम्हारी दुनिया है। तुम जाओ अपनी दुनिया में, मैं रुकूंगा नहीं। कैसे जाओगी? कैसे आई थी वैसे जाओ। कैसे आई हो? तुम्हें नहीं पता मैं कैसे आई थी? हाँ, तुमने ढूंढा था ना मुझे, ये बचाया था मुझे, इसलिए तुम्हें ढूंढ पाया था मैं। ठीक है, सब तुम्हारी बात, तुम मुझे बचाओगे, अब मैं तुम्हें ढूंढूंगी। जरूर मदद करेगा। आने
क्या कर रहे हो? मम्मी हटिए। क्या हुआ? तुम आने हो ना, मैं भी आने हूँ। अने तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? अने अने तुम्हें आवाज आ रही है? मम्मी वो अने मैं भी आने हूँ 25 साल बाद 2021 में। ये 2021 है। मैं और ये इधर और ये आप हो। 2021 में ये आप हो, ये हाँ। मम्मी हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं। अने मेरी बात ध्यान से सुन। वो जो अंतरा थी, जो टीवी पे आई थी ना, वो दोबारा वापस नहीं आएगी। वो दोबारा वापस नहीं आने वाली है। अगर 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 तुम्हें उससे मिलना है ना, तो उसका इंतजार मत करना, उसके पीछे मत जाना। तुम कब आए? सॉरी, वो थोड़ी टेंशन थी। तुम मैं आई जस्ट सो के विकास, तुमने कहा था छोड़नी है, इसलिए बोलती हूँ। नहीं तो सिगरेट पियो, विस्की पियो, तुम्हारी लाइफ है। विस्की तो मैंने पूरी छोड़ दी है यार। तो तुम्हारे होटल के डेस्क पे विस्की नहीं है? कम ऑन अंतरा, किसी गेस्ट की होगी। आई चेक सारा के लिए। सारा, प्यार करते हो उसे? ये तुम्हारे हनीमून स्वीट की चाबी। कब से बताना चाहते थे?
We moved here for her, na? Not for us. ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रही हो। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है मैं क्या सोच रही हूँ। सामान अभी अनपैक नहीं हुआ है, मैं वंती को लेके चली जाती हूँ। एक्चुअली तुमने नहीं सोचा होगा ना कि आसानी से चली जाऊंगी। इनफैक्ट मैं क्यों जाऊं, सारा के पास घर है, तुम्हारे पास होटल का स्वीट है, इनफैक्ट पूरा होटल ही तुम दोनों का है। तुम जाओ, खामोख अपनी बेटी को बेघर क्यों करें। मैंने बहुत कोशिश की अंतरा, नहीं हुआ यार। कोई फीलिंग ही नहीं बची है। Maybe we are not meant to be. Perhaps in some other world. ट्रस्ट में विकास, ऐसा कोई वर्ल्ड नहीं है जिसमें तुम अपनी बीवी से खुश हो। ट्रस्ट में अनपैक करें हम। इसका नाम है फ्लफी और ये है कैटी। और क्या देखें इस बॉक्स के अंदर, ये है अवंती के क्लोथ जो वो खुद रखेगी ऊपर। राइट, गुड गर्ल। जिन्होंने फोन किया था क्या है वो? सर वो थैंक यू प्लीज भी आने आना। आई नो हाउ डू यू नो अंतरा वशिष्ठ।
हेलो शार्क्स, आज मैं आपके लिए वेटिंग को सिंपल बनाने के लिए एक बहुत शानदार प्रोडक्ट लेके आया हूँ। प्रेजेंटिंग टू यू स्काई एक्सचेंज। भाई सुन, वेटिंग ऐप बनाना कौन सी बड़ी बात है, हम भी बना लेंगे। इंडिया का ब्रांड बिल्डर बोलते हैं मुझे। अच्छा ऐप तो तुम बना लोगे, लोगों का ट्रस्ट कहाँ से लाओगे? बिल्कुल सही कहा सर, इसी दिक्कत को हमने सॉल्व किया है और एक बहुत आसान साइन अप प्रोसेस बनाया है। अब से साइन अप की कोई झंझट ही नहीं, बस व्हाट्सएप पे जाके यूजर आईडी पासवर्ड बनाओ और व्हाट्सएप पे ही इजीली पेमेंट करो, ऐप पे जाके लॉगिन करो और बेटिंग करो। सर हमें पता है आपके पास बहुत सारे सवाल होते हैं, इसलिए हमने 24/7 कस्टमर केयर दिया है व्हाट्सएप पे। बस फ्लर्ट मत करना आप इसके साथ। अरे अरे एक मिनट यार, तू बोलता जा भाई, सुनने में अच्छा लग रहा है। अब सुनना नहीं है सर, शुरू करना है। तो वेट किस बात का, डाउनलोड करो स्काई एक्सचेंज और शुरू हो जाओ और करो बेटिंग बिना किसी टेंशन के।